है आप सभी को सिविल साइट नॉलेज में। आज मैं बताने जा रहा हूँ कि ब्रिक वर्क कैसे करते हैं। ब्रिक वर्क करते समय मेसन क्या गलती करते हैं, कंट्रेक्टर क्या गलती करता है, आप सबको ये मैं बताने जा रहा हूँ। अगर आप वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो जरूर 100% आप कॉस्ट को सेविंग करेंगे। प्रीवियस वीडियो में बताया था कि डीपीसी कैसे डालते हैं, प्लिंथ बीम का लेवल कैसे डिसाइड करते हैं, पूरा डिटेल में बताया था। आज मैं बताने जा रहा हूं कि ब्रिक वर्क कैसे करते हैं। देखिए, डीपीसी डल चुका है, अब मुझे ब्रिक वर्क स्टार्ट करना है। तो एज पर ड्राइंग डाइमेंशन के अकॉर्डिंग हम ब्रिक वर्क स्टार्ट करेंगे। देखिए, अगर आप कॉलम कास्टिंग कर लिए हैं, कॉलम कास्टिंग होने के बाद आप ब्रिक वर्क करते हैं, तो कॉलम को रफ करना है ताकि मजबूती आए, स्ट्रेंथ आए। कलम को रफ करेंगे, फिर आपको क्या करना है, सीमेंट स्लरी लगाना है, क्योंकि ये जो जॉइंट है यहाँ से क्रैक आता है। अगर सही से अगर स्ट्रेंथ मजबूती नहीं, पकड़ नहीं हुआ कलम और ब्रिक और जॉइंट पे, यहाँ से क्रैक होता है। तो ये जरूर बात ध्यान दें, कलम को रफ करें और सीमेंट स्लरी लगाएं और प्लस्टर होते समय यहाँ पे चिकन पेस लगाएं कि ताकि क्रैक ना आए। देखिए, रफ कराया जा रहा है। एक्चुअली में रफ कॉलम कास्टिंग होने के बाद डिसेंडिंग करते हैं, उस समय पूरे कॉलम को आप रफ कर दीजिए ताकि आपको आसानी पड़े बाद में, आपको रफ करने में प्रॉब्लम जो कठिनाई आता है वो ना। ओके, उसके बाद आप ब्रिक वर्क करें। ब्रिक वर्क एज पर ड्राइंग होना चाहिए, डायगोनल में होना चाहिए। इस पे मैं वीडियो बना दूंगा कि ब्रिक वर्क जब इसका रंगत देते हैं तो डायगोनल कैसे चेक करते हैं, ये पूरा डिटेल मैं बताऊंगा। देखिए, ये जो जॉइंट है इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ कि जॉइंट जो है ये आपको 10 से 12 mm होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। मेसन कभी कभी क्या करते हैं, लेवल मेंटेन करने के लिए आपको मोर्टार का लेयर अधिक कर देते हैं, सीमेंट का थिकनेस ज़्यादा देते हैं। ऐसा कभी ना हो, आप स्टार्टिंग में ही लेवल, जो मैंने बताया था कि लेवल कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, ये भी वीडियो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेवल में होना चाहिए ब्रिक वर्क एकदम परफेक्ट, धागा जो बांध देंगे आप लेवल में होना चाहिए। अगर एक बार लेवल कर देंगे तो फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये देखिए, थिकनेस जो यहाँ पे ज़्यादा है, मैं यही आपको दिखा रहा हूँ, तो थिकनेस आपको होना चाहिए कितना, 10 से 12 mm होना चाहिए थिकनेस। अगर थिकनेस ज़्यादा आप देते हैं तो आप यहाँ से क्रैक पाएंगे, जब ये ड्राई होगा तो यहाँ से क्रैक होने की संभावना होगी। देखिए, ये थिकनेस ये जो है ये 10 mm है, ये परफेक्ट है, इस तरह होना चाहिए। और जॉइंट जो होता है, जो नीचे का लेयर और ऊपर का लेयर, कभी भी जॉइंट एक जगह नहीं आना चाहिए, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। जुड़ाई करते समय मेसन जब जुड़ाई करता है तो आप ये देखिए, जॉइंट एक जगह ना आए। देखिए, ये सुधारा जा रहा है, अगर जॉइंट एक जगह आ जाता है तो ये भी आप ध्यान देंगे। दूसरी बात है कि जब आप ब्रिक वर्क करते हैं तो जब इसका ब्रिक वर्क होने के बाद ग्रुप काटते हैं, यानी फिनिशिंग एक तरफ जिधर से मेसन प्लम करता है उधर लोग क्या करते हैं, ग्रुप काटते हैं। और दूसरी बात, जब आपका ब्रिक वर्क ख़त्म होता है नेक्स्ट डे जब ब्रिक वर्क करते हैं तो इस तरह होना चाहिए, यानी कि जो अपर लेयर जो है यहाँ पे मोर्टार का लेयर नहीं होना चाहिए, ताकि नेक्स्ट डे हम जो ब्रिक वर्क करें तो इसमें पकड़ आए, मजबूती आए। और ग्रुप जो है, जो कटिंग दिख रहे हैं, ये बोथ साइड, दोनों साइड होना चाहिए। अक्सर ये कंट्रेक्टर और मेसन गलती करते हैं, एक साइड करते हैं, तो जी नहीं, दोनों साइड होना चाहिए, तब उसके बाद आप प्लास्टर कीजिए। आपसे क्या बोला जाएगा कि सर अभी हम एक साइड एक तरफ कर रहे हैं, बाद में प्लास्टर तो करना ही है, लेकिन नहीं, आप ज्वाइंट भरिए, दोनों तरफ ज्वाइंट का ग्रुप अच्छे से कटिंग होना चाहिए, बोथ साइड होना चाहिए। ध्यान दें, जिधर से आप मिस्त्री प्लम करके धागा लाइन डोरी से जोड़ता है उधर भी एक अपोजिट साइड जो रफ एरिया है उधर भी आपको ज्वाइंट कटिंग होना चाहिए, जो देख रहे हैं आप वीडियो में पाया गया, इस तरह आप जुड़ाई करें।
अब देखिए प्लम कैसे चेक करते हैं कि ये स्टेट है कि नहीं। सबसे पहले ना प्लम को ही आप चेक कर लीजिए कलम पे रख कर या कोई वर्टिकल जगह पे कि प्लम सही है कि नहीं। अगर प्लम सही होता है तब आप ब्रिक वर्क को प्लम चेक कीजिए। देखिए टॉप से हम बॉटम तक जाएंगे, जहां से रंगत दिए थे स्टार्ट किए हुए हैं प्लिंथ बीम के ऊपर, यहां तक देखिए ये झूल रहा है, यानी कि परफेक्ट है, यहां पे प्लम में है। 1-2 mm झूलना चाहिए, यानी कि ताकि लोडेड ना हो, बाहर निकलेगा तो लोड हो जाएगा, तो अब क्या होगा आपका ये झूलना चाहिए। ओके, इस तरह हम प्लम चेक करेंगे दोनों तरफ कलम के दोनों साइड, जहां से ब्रिक वर्क स्टार्ट हो रहा है वहां एक एक ईटा, दो दो ईटा को आप क्या कर सकते हैं प्लम देख सकते हैं। ये देखिए सही पाया गया, डबल से देख सकते हैं, अगर कहीं गलत है तो मेसन को बताइए। ठीक है, यहाँ पर भी दोनों तरफ फिर आप धागा बांध करके टाइट धागा होना चाहिए, फिर ब्रिक वर्क कीजिए, यहाँ भी देखेंगे प्लम। और ध्यान दें कि आप इस तरह रस्सी धागा से भी बांध करके देख सकते हैं कि ताकि मेसन जो गलती किया है बीच में गलती तो नहीं है, गैपिंग तो ज़्यादा नहीं आ रही है। अगर गैपिंग आता है तो आपको क्या करना है, प्लस्तर जो क्वांटिटी है सीमेंट सैंड वो ज़्यादा लगेगा। ठीक है, ये जो गैपिंग है ये इतना नहीं आना चाहिए, देखिए यहाँ आ रहा है 10 mm का गैपिंग, तो ये थोड़ा गलत हो गया है, तो ऐसा ध्यान दें। और देख लीजिए जब जैसे ही ओपनिंग होता है, जहाँ विंडो दरवाजा आप ओपनिंग छोड़ते हैं, वहाँ मेसन को एकदम परफेक्ट प्लम में होना चाहिए। देखिए अपर अप डाउन आपको दिख रहा है, ऐसा गलती मेसन करते हैं साइड पे, ध्यान दें। देखिए ये देखिए आपका इसका कॉर्नर अंदर बाहर है, तो इस तरह ना होना चाहिए, आप ध्यान दें, नहीं तो क्या होगा कि इसे प्लस्तर जब करेंगे तो आपका वर्टिकल नहीं हो पाएगा। देखिए साहुल ऊपर से दिख रहा है, अब देखिए दोनों के बीच का